Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Today we will study about the muscles of pectoral region. Pectoral region में तीन muscles present होती है, that is pectoralis major muscle, pectoralis minor muscle and subclavius muscle. But इसको पढ़ने से पहले मेरे channel को subscribe कीजिए and bell icon press कीजिए. Now we will study about the origin, insertion, nerve supply and action of these all muscles. First muscle of pectoral region is pectoralis major muscle. Origin: pectoralis major muscle चार जगह से originate होती है. First is anterior surface of medial two third of clavicle. Clavicle के medial two third part की anterior surface से origin होता है. Second, anterior surface of manubrium and sternum up to sixth costal cartilage half the breadth. Manubrium sterni and sternum के सिक्स कोस्टल कार्टिलेज के लेवल तक एंटीरियर सरफेस से इसका ओरिजिन होता है एंड एंटीरियर सरफेस की हाफ द ब्रेथ मींस आधी चौड़ाई से ही इसका ओरिजिन होता है. सेकेंड टू सिक्स कोस्टल कार्टिलेज से भी इसका ओरिजिन होता है एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एपोन्यूरोस से भी इसका ओरिजिन होता है. नेक्स्ट इज इंसर्शन. इट इज इंसर्टेड बाय अ बाइलेमिनर टेंडन ऑन द लैटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस. ये बाइलेमिनर टेंडन के थ्रू बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस के लेटरल लिप पर इंसर्ट होती है. नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई. पेक्टोरलिस मेजर मसल को फॉलोइंग नर्व सप्लाई करती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल. व्हेन होल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट प्रोड्यूसेस एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड आर्म. ये शोल्डर जॉइंट और आर्म का एडक्शन और मीडियल रोटेशन करवाता है. व्हेन क्लेविकुलर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब पेक्टोरलिस मेजर मसल का क्लेविकल वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट प्रोड्यूसेस फ्लेक्शन ऑफ द आर्म. ये आर्म का फ्लेक्शन करवाता है. व्हेन स्टर्नोकोस्टल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब पेक्टोरलिस मेजर मसल का स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्स्ड आर्म एज इन क्लाइंबिंग. ये फ्लेक्स्ड आर्म का एक्सटेंशन करवाता है जैसे कि क्लाइंबिंग में होता है. नेक्स्ट इज एसेसरी मसल. इट एक्ट्स एज एन एसेसरी मसल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ये मसल इंस्पिरेशन के टाइम पर एसेसरी मसल के रूप में भी काम करती है. दिस इज द डायग्राम ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल. दिस इज द क्लेविकल, दिस इज स्टर्नम एंड दिस इज ह्यूमरस. पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन चार जगह से होता है. फर्स्ट ओरिजिन इज फ्रॉम एंटीरियर सर्फेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लेविकल. मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लेविकल की एंटीरियर सरफेस से होता है. सेकेंड ओरिजिन इज फ्रॉम मैन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम. मैन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम की एंटीरियर सरफेस से एंड उसकी हाफ द ब्रेथ आधी चौड़ाई से इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स कोस्टल कार्टिलेज. दिस इज द सेकेंड ओरिजिन. इसका थर्ड ओरिजिन है सेकेंड से लेके सिक्स कोस्टल कार्टिलेज. एंड फोर्थ ओरिजिन इज फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस. दिस इज द फोर्थ ओरिजिन. जो फाइबर्स क्लेविकल से निकलते हैं उन्हें क्लेविकुलर फाइबर्स कहते हैं, जो मैन्यूब्रियम से निकलते हैं उन्हें मैन्यूब्रियल फाइबर्स कहते हैं, जो फाइबर्स स्टर्नम से एंड कोस्टल कार्टिलेजेस से निकलते हैं उन्हें स्टर्नो कोस्टल फाइबर्स कहते हैं, एंड जो फाइबर्स एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस से निकलते हैं उन्हें एपोन्यूरोटिक फाइबर्स कहते हैं. ये सारे फाइबर्स कन्वर्ज होकर लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस और बाइसिपिटल सल्कस और ग्रू ऑफ ह्यूमरस पर जाकर इंसर्ट होते हैं. सो दिस आर द ओरिजिन एंड दिस इज द इंसर्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स. फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पेक्टोरलिस मेजर मसल के अंदर सिचुएटेड होते हैं. फर्स्ट इज बोन्स एंड कार्टिलेजेस. स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेजेस एंड रिब्स पेक्टोरलिस मेजर मसल के अंदर सिचुएटेड होते हैं. फेशिया में क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, मसल्स सबक्लेवियस मसल, पेक्टोरलिस माइनर मसल, सीरेटस एंटीरियर मसल, इंटरकोस्टल मसल्स, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल एंड कोरेको ब्रेकियलिस मसल. वेसल्स एक्सिलरी वेसल्स, नर्व्स, कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड्स. ये सारे स्ट्रक्चर पेक्टोरलिस मेजर मसल के अंदर सिचुएटेड होते हैं. सो दिस आर द डिटेल्स ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल.
नेक्स्ट इज पेक्टोरलिस माइनर मसल, ओरिजिन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स नियर द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। पेक्टोरलिस माइनर मसल का ओरिजिन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स के कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से होता है। इंटरवीनिंग फेशिया कवरिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड वो फेशिया जो कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कवर करती है उनसे भी पेक्टोरलिस माइनर मसल का ओरिजिन होता है। सेकेंड इज इंसर्शन, मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ कोरकोइड प्रोसेस। इसका इंसर्शन कोरकोइड प्रोसेस की मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस पर होता है। नर्व सप्लाई, पेक्टोरलिस माइनर मसल को फॉलोइंग नर्व सप्लाई करती है, मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। एंड इसका एक्शन है इट ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड, ये स्कैपुला को आगे की तरफ खींचती है। इट डिप्रेस द पॉइंट ऑफ द शोल्डर, ये शोल्डर के पॉइंट को डिप्रेस करने का काम करती है। एंड इट हेल्प्स इन फोर्स इंस्पिरेशन, ये फोर्स इंस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। सो दिस आर द डिटेल्स ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल। दिस इज द डायग्राम ऑफ पेक्टोरलिस माइनर मसल एंड सबक्लेवियस मसल। दिस इज द सबक्लेवियस मसल एंड दिस इज पेक्टोरलिस माइनर मसल। दिस इज स्टर्नम, दिस इज द क्लेविकल, दिस इज फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब, एंड दिस इज कोरकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। सबक्लेवियस मसल फर्स्ट रिब के कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ओरिजिनेट होती है एंड मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल की सब क्लेवियन ग्रूव पे जाकर इंसर्ट होती है। सो दिस इज द सबक्लेवियस मसल जो कि फर्स्ट रिब के कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ओरिजिनेट हो रही है एंड मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल के सब क्लेवियन ग्रूव पर इंसर्ट होती है। दिस इज द पेक्टोरलिस माइनर मसल जो कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ रिब के कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ओरिजिनेट होती है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की इंटरवीनिंग फेशिया से ओरिजिनेट होती है। एंड कोरकोइड प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस एंड मीडियल बॉर्डर पर जाकर इंसर्ट होती है। सो दिस इज द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ बोथ सबक्लेवियस मसल एंड पेक्टोरलिस माइनर मसल। थर्ड मसल इज द सबक्लेवियस मसल। फर्स्ट ओरिजिन, फर्स्ट रिब एट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ये फर्स्ट रिब के कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ओरिजिनेट होती है। सेकेंड इज इंसर्शन, सबक्लेवियन ग्रूव इन द मिडिल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल, ये मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल के सबक्लेवियन ग्रूव पे इसका इंसर्शन होता है। नर्व सप्लाई, नर्व टू सबक्लेवियस विच इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। सबक्लेवियस मसल को नर्व टू सबक्लेवियस सप्लाई करती है जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच होती है। एक्शन इट स्टडीज द क्लेविकल ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट के टाइम पर क्लेविकल को अपनी पोजीशन में बनाकर रखती है। एंड इट फॉर्म्स अ कुशन फॉर एक्सिलरी वेसल एंड ब्रेकियल प्लेक्सस, ये एक्सिलरी वेसल्स एंड ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए कुशन की तरह काम करती है। सो दिस इज अबाउट द सबक्लेवियस। दिस इज द डायग्राम ऑफ सबक्लेवियस मसल। दिस इज द सबक्लेवियस मसल जो कि फर्स्ट रिब के कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ओरिजिनेट होती है एंड क्लेविकल के मिडिल वन थर्ड पार्ट की सबक्लेवियन ग्रूव पर जाकर इंसर्ट होती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट रिब एट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन एंड इंसर्टेड इनटू सबक्लेवियन ग्रूव ऑफ मिडिल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल। So these all were the details of muscles of pectoral region. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड इसके 3D वीडियो को हम अपने ओल्ड वीडियो में पढ़ चुके हैं, सो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।